जी नमस्कार। अभी अभी की एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या है जानकारी बताएं। हेडलाइन नेटवर्क आप देख रहे हैं। चुनाव आयोग ने 40 बार अदालतों की याचिकाएं खारिज की हैं। ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया। फिलहाल आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं, उससे पहले आपसे गुजारिश है छोटी सी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें। 42 साल के इतिहास में पहली बार जाँच का रास्ता भी खुला। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुनाते हुए साफ तौर पर कहा गया कि ईवीएम और वीवीपैट के जो 100% मिलान है वो याचिका तो खारिज कर दी। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन अगर कैंडिडेट शिकायत करता है तो ईवीएम की जांच भी की जा सकेगी। इसके साथ साथ चुनाव आयोग को कई सारे निर्देश दिए गए हैं, वो भी आपको बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सिंबल लोडिंग प्रक्रिया होने के बाद 45 दिनों तक स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोर किया जाएगा ईवीएम को। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर स्लिप की गिनती का सुझाव भी परीक्षण किया जाएगा। ये भी देखिए क्या चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए एक बार कोड भी हो सकता है, इसका सुझाव भी चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और साफ तौर पर राजीव कुमार जो कि चुनाव आयुक्त हैं मुख्य, उन्होंने भी कहा कि ईवीएम 100% सही है। और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम ने भी विपक्ष पर हमला बोला और कहा विपक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। इसके अलावा कहा कि विपक्ष की ओर से बैलेट पेपर के राज में ही राज किया गया है, ईवीएम हटाने का सपना विपक्ष का चूर चूर हो गया। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला रहा ये।